नमस्कार सभी छात्रों को, छात्राओं को, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम ऑनलाइन श्रृंखला की श्रृंखला में आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। हम इसके सिलेबस के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम होगा और किस आधार पर इसको विभाजित किया गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र हम आज आरंभ कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न पत्र में हम सबसे पहले जो आरंभ कर रहे हैं वह है आदिकाल का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला जो उत्थान है, पहला जो युग है, उसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल आदि का अर्थ होता है आपका आरंभ, प्रारंभ। कि किसी भी युग का जब आरंभ हुआ, किसी भी चीज का या किसी भी कार्य का जब आरंभ होता है तो होते आदि, मतलब शुरू होना, प्रारंभ होना। तो प्रारंभिक जो काल है हमारा साहित्य के, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आरंभिक काल है उसे हम कहते हैं आदि, आदिकाल के नाम से उसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें समय देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हमें इसके बारे में अध्ययन करना है, आदिकाल के इतिहास के बारे में अध्ययन करना है, आदिकाल का नामकरण देखना है और आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करना है, आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ना है और इसके साहित्य के बारे में भी अध्ययन करना है। तो देखिये, आदिकाल के बारे में हम चर्चा शुरू करते हुए इसका सामान्य परिचय से हम इसका आरंभ करते हैं, छोटे छोटे भागों में करते हुए हम इसको समझने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके नामकरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि आदिकाल का जो समय है वह कौन सा है। हमारे पाठ्यक्रम में लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे तो छोटे छोटे दो दो अंकों के होंगे, तो उसमें यह हमारे लिए बहुत बड़ा काम का विषय है। तो देखिए, आदिकाल का सबसे पहले देखिए समय क्या है, किस समय, किस समय के मध्य वाले काल को हम आदिकाल के नाम से संबोधित करेंगे। तो देखिए, संवत 1050 से 1375, संवत 1050 से 1375 तक का जो समय है वह किसमें, किसके अंतर्गत आता है का समय, आदिकाल के अंतर्गत आता है। यदि सन ईस्वी के रूप में बात करें तो 993 से 1318 तक का समय आदिकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। देखिए, आरंभ साहित्य के, हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ युग है, पहला युग है और किसी भी युग का निर्धारण करने में कि भाई कि कहां से आरंभ माना जाए, कहां से इसका किस शुरुआत मानी जाए, उसमें बहुत ही विवादित स्थिति बनती है कि भाई किस कवि के प्रवृत्ति के आधार पर इसका नामकरण किया गया, कैसी उस समय रचनाएं होती थी, भाषा का प्रयोग कैसा होता था, किस प्रकार की उस समय प्रवृत्तियां प्रचलित थी। तो इस आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा विवादित जो काल रहा है वह हमारा आदिकाल रहा है। समय का विविध विद्वानों ने शोधों के द्वारा, शोध की, खोज की, उसके आधार पर, उस समय की तत्कालीन प्रचलित प्रवृत्तियों के आधार पर जो एक समय, सर्वमान्य समय निश्चित किया गया वो समय था संवत 1050 से 1375 और सन और ईस्वी के रूप में बात करें तो 993 से लेकर 1318 तक का जो समय है वह किसका है, आदिकाल का है। तो सबसे पहले हम इसके नामकरण के बारे में हम चर्चा करें। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे ज्यादा विवाद जो समय रहा है वो आदिकाल का रहा है। बहुत सारे विद्वानों ने, आलोचकों ने, इतिहासकारों ने तत्कालीन समय की प्रचलित प्रवृत्तियों के आधार पर इसका अलग अलग नामकरण किया है, अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि उस युग में एक कोई निश्चित प्रवृत्तियां तो थी नहीं, निश्चित धारा तो थी नहीं कि भाई ये धारा रही है तो भाई इसी धारा के आधार पर इसका आगे चला है। अलग अलग विद्वानों के शोध में अलग अलग प्रवृत्तियों का जो उन्हें
परिणाम मिला उसके आधार पर उन्होंने चश्मा नामकरण किया है। तो नामकरण के आधार पर आज हम शुरुआत करते हैं। आदिकाल का समय हमने पढ़ लिया है और आदिकाल का पहला पॉइंट नामकरण के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले नाम है हमारा इसका चारण काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विदेशी साहित्यकार हैं, विदेशी इतिहासकार हैं, लेकिन इन्होंने अपना ज्यादातर जो समय है भारत में व्यतीत किया और विशेषकर राजस्थान से इनका विशेष लगाव रहा है। राजस्थानी भाषा के बारे में इन्होंने विशेष अध्ययन किया। तो इन्होंने यहां का जब इतिहास लिखा तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा तो उसमें इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल के नाम से संबोधित किया है। हमारा प्रश्न बन गया कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ठीक है। दूसरा अगला नाम है, किसका नाम है? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक मतलब आरंभिक काल, कि प्रारंभिक काल के नाम से आदिकाल का नामकरण किसने किया है? मिश्र बंधु कौन है? मिश्र बंधु तीन भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ये तीन भाई थे और तीन भाई उन्होंने मिलकर एक इतिहास ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद इनका इतिहास ग्रंथ है। और इन्होंने इसे तीनों भाइयों को मिलाकर क्या कहा गया? मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है आदिकाल का? प्रारंभिक काल। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने। आगे नामकरण की बात करें तो आगे नाम है बीज बपन काल। आदिकाल को बीज बपन काल के नाम से किसने संबोधित किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रख्यात आलोचक और कथाकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, और मैं कहूं तो सबसे बड़े सुधारक लेखन के क्षेत्र में, खड़ी बोली के सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम लिया जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? बीज बपन काल, मतलब उत्पन्न होने का काल, आरंभिक होने का काल, जहां पर सबसे पहले साहित्य का उद्भव हुआ। इसलिए बीज बपन काल के नाम से किसे संबोधित किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखें वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं और इतिहासकार रहे हैं। तो शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। अब इनके नाम देने के पीछे, सबके पीछे एक एक कारण है। ग्रियर्सन जी ने जैसे नाम दिया चारण काल, तो उन्होंने कहा कि चारण और भाटों की साहित्य की अधिकता मिलती है आदिकाल में, इसलिए उन्होंने इसका नामकरण कर दिया चारण काल। मिश्र बंधुओं ने कहा प्रारंभिक काल, तो उन्होंने कहा साहित्य का जो आरंभ के रूप है वो कहां देखने को मिलता है? आदिकाल में, इसलिए उन्होंने किसका नाम रख दिया? प्रारंभिक काल। बीज बपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कि भाई कि यहीं से साहित्य का आरंभ हुआ है। अब अगला नाम आता है वीर गाथा काल, वो नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि ये मानते हैं कि इस काल में सबसे ज्यादा वीर रस से परिपूर्ण काव्यों की रचना हुई है। वीर रस की प्रधानता ही प्रधानता के कारण वीर रस की प्रधानता के कारण रासो काव्यों के कारण और युद्ध के सजीव चित्रण के कारण इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। तो देखिए हम देखते हैं कि आदिकाल के विविध नामकरण को हम पढ़ रहे हैं, तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे देखें सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है पंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो है इतिहासकार हैं और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, तो इन्होंने आदिकाल को नाम दिया है सिद्ध सामंत काल, क्योंकि ये मानते हैं वही प्रवृत्ति के आधार पर कि भाई कि सिद्धों का लेखन जो कार्य है इस काल में विशेष रहा है, इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया है सिद्ध सामंत काल। आगे नामकरण देखें तो
संधिकाल एवं चाणक्य, ये नामकरण दिया है आदिकाल का डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि आदिकाल का नामकरण क्या देते हैं, संधिकाल एवं चाणक्य। ठीक है, आगे देखें तो आदिकाल, आदिकाल का जो नामकरण है वह किसने किया है, आचार्य हजारी प्रसाद जी, इतिहासकार हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, श्रेष्ठ आलोचक रहे हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण नाम दिया है आदिकाल, और इसी नाम को ही सबने सम्मति दी है, सबने मान्यता प्रदान की है, इसलिए इन सभी नामकरणों में सबसे श्रेष्ठ नामकरण माना गया है आदिकाल, जो किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला नाम है आधारकाल, और आधारकाल नाम दिया है सुमन राजा, इतिहासकार है। तो अब हमने देखा कि आदिकाल के नामकरण के बारे में आज हमने चर्चा की है कि आदिकाल को विविध नामों से हम जानते हैं। तो विविध नाम जो है वो कैसे दिए गए हैं, अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं, अलग अलग प्रवृत्तियों के आधार पर दिए हैं। तो एक बार हम देखते हैं, सबसे पहले समय देखते हैं, समय क्या है, 1050 से 1375। सन के रूप में देखें 973 में से 1318 तक का जो समय है उसे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला नाम देखिए चाणक्य, किसने कहा है, जॉर्ज ग्रिगसन ने। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने। बीज भवन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया है, पंडित राहुल सांकेतायन ने। संधि काल और चारण काल नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और आदि काल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिस नाम को सबने मान्यता प्रदान की है, सबने सहमति प्रदान की है। और आधार काल नाम किसने दिया है, सुमन राजा। तो इस प्रकार से आज हम देखें, तो आज हमने हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को आरंभ करते हुए आज हमने आदिकाल के नामकरण के बारे में हमने चर्चा की। तो देखिए आदिकाल साहित्य के हिंदी साहित्य का प्रथम उत्थान है, प्रथम युग है, और इस युग के आधार पर हम देखें तो सबसे पहले आदिकाल का विस्तृत विवेचन हमें करना है। तो सबसे पहले हमने इसे पढ़ा है नामकरण, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रवृत्तियां, आदिकाल के प्रमुख कवि और आदिकालीन साहित्य के बारे में अब हम अगले वीडियो में अपने में चर्चा करेंगे। देखिए इतिहास का जो पाठ है थोड़ा बड़ा बैठेगा, अलग अलग श्रृंखला में आएगा, लेकिन आवश्यकता यह है कि भाई ये जो हमारा पाठ है वो अंकों के आधार पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इस भाग को हम छोड़ नहीं सकते, इससे हम बच नहीं सकते, इसलिए छोटे छोटे भागों में करके हम इसको पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी हो और हम इसमें अच्छे अंक ला सके। तो देखिए आज हमने पढ़ा है आदिकाल के नामकरण के बारे में, कि आदिकाल का अलग अलग विद्वानों द्वारा क्या क्या नामकरण किया गया है। अगले वीडियो में, अगली श्रृंखला में हम इसकी आगे की प्रवृत्ति, प्रमुख कवि और साहित्य के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।